दोस्तों, अगर आप कम बजट में लद्दाख घूमना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आप जान पाएंगे कि कम से कम बजट में आप लद्दाख कैसे घूम सकते हैं और क्या क्या है लद्दाख में। लेह लद्दाख का नाम सुनते ही दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सड़कें, बर्फ़ से ढके पहाड़, हरियाली और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती होंगी, जैसे 3 Idiots के सॉन्ग्स, वहाँ का सीन। लेकिन इससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ है लद्दाख में, तो चलिए मेरे साथ आज लद्दाख घूमते हैं। दोस्तों, लद्दाख अगर घूमना है तो आप कम से कम 10 से 12 या 15 दिन का समय निकालिए, क्योंकि लद्दाख में इतना कुछ घूमने को है, इतना कुछ एक्सप्लोर करने को है, जो अगर आप 1-2 दिन के लिए जाएंगे तो आप वहाँ पछताएंगे और आप सोचेंगे कि आप और ज़्यादा समय क्यों नहीं लेके आए। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप लद्दाख जाएँ कम से कम 10 से 15 दिन का समय ज़रूर लेके चलिएगा। अब रही बात बजट की, तो बजट मैं आपको बता दूं, एक सिंगल पर्सन के लिए 10 से 12 हज़ार और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 18 हज़ार रुपये बहुत हैं एक सिंगल इंसान के लिए। आपका 1000 से 1500 तक आपका परमिट, मठों में एंट्री और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप रख लीजिए एक दिन के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आप टेंट पे या ढाबों पे रुकते हैं तो आपको 150 से 180 तक आप मान के चलिए आपको नॉर्मल खाना आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता दूं, अच्छे होटल्स में आपको 500 से 1000 रुपये में आपको रुकना और साथ में खाना हो जाएगा। खाने पीने की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आपको चाइनीज़, रोटी सब्जी, नान और वेज और नॉन वेज सब तरीके का खाना बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी नॉर्मल होटल या ढाबे पे खाते हैं तो आप मान के चलिए 50 से 60 या 70 से 80 रुपए में आप अपना नाश्ता कर सकते हैं। और अगर आप किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मान के चलिए 500 से 600 या 1000 तक आपका बजट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आप लद्दाख में घूम रहे हैं तो हमेशा अपने पास पानी कैरी करके चलिएगा। कि दोस्तों, अगर आप बाइक राइड करना चाहते हैं तो आपको लद्दाख में आसानी से बाइक, बुलेट और भी 2-व्हीलर्स बाइक्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी और वो भी कम प्राइस में। लेकिन अगर आप लद्दाख कार से घूमना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी थोड़ा माइलेज कम देगी और आपको खर्च भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है। दोस्तों, लद्दाख जाने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो मई से सितंबर तक होता है। यहाँ पे मौसम बहुत सुहावना रहता है और आप आसानी से आ जा सकते हैं। लद्दाख के लिए अगर आप बाइक से जा रहे हैं या खुद के व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको परमिट लेना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप लद्दाख के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। और अब बात करते हैं कि आप लद्दाख में क्या क्या देख सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस है कारगिल। जी हाँ, लेह लद्दाख की यात्रा कारगिल के बिना अधूरी है, जो कि लेह लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। या सिंधु नदी के तट पर एक दूसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ की वादियाँ और यहाँ का ऐतिहासिक जगह जो आपको अपनी ओर एक ऊर्जा पैदा कर देगा। दोस्तों, यहाँ की सबसे फेमस झील की बात करें तो वो है पंगोल झील। ये झील इतनी खूबसूरत है कि इसके पास अगर आप पहुँच गए तो यकीन मानिए आप किसी जन्नत से रूबरू हो जाएंगे। कहते हैं कि जो एक बार यहाँ पर आ जाता है वो दोबारा बार बार आना चाहता है। इस नंबा वैली एक खूबसूरत पहाड़ घाटी है जो कि चॉकलेट बॉक्स ऑफ द लद्दाख के नाम से जानी जाती है। यहाँ की वैली कारगिल और लेह से बिल्कुल बीचों बीच है और यहाँ की सुंदरता देखते ही बनते हैं। कारगिल की बात तो मैंने आपको बताई थी, इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर कुछ जगहों पे आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 Idiots मूवीज़ के बहुत सारे पोस्टर और 3 Idiots में दिखाए गए कुछ सीन भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको लगेगा कि सच में आप ऐसी जगह हैं जैसे किसी फिल्म के सेट पर। क्योंकि लेह लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन प्लेस है और यहाँ लेह लद्दाख इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 Idiots मूवी की कुछ शूटिंग भी हुई थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप जहाँ भी जाएंगे आपको लद्दाख में, वहाँ पर 3 Idiots फिल्म के नाम के उनके कैरेक्टर के आपको होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक जहाँ जहाँ पर भी आपको 3 Idiots मूवी की शूटिंग हुई थी वहाँ पर आपको वहाँ का सेट हल्का फुल्का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।